बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ है दर्दनाक हादसा। अल्मोड़ा के मारचुला में खाई में गिर गई बस। हादसे में 36 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। 36 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, राहत बचाव टीम पहुंची। खाई में गिरी यात्रियों से भरी हुई बस, बस जिस वक्त गिरी उस वक्त की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ खाई जो कि 200 मीटर करीब गहरी थी, वहाँ यात्रियों से भरी हुई बस गिर गई। 36 लोग दम तोड़ चुके हैं। पहले संख्या 20, फिर 25, फिर 30 के पार पहुंची और अभी तक 36 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ यह दर्दनाक हादसा। मालचुला में यात्रियों से भरी हुई बस खाई में गिर गई और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। चीख पुकार मच गई। यात्रियों से भरी हुई ये बस थी और अचानक से खाई में गिर गई। किस वजह से बस खाई में गिरी, ये जांच का विषय बना हुआ है। अभी फिलहाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जरिए मुआवजे का ऐलान जरूर कर दिया गया है, लेकिन 36 लोग दर्दनाक तरीके से अपनी जान गंवा चुके हैं। रामनगर के हॉस्पिटल में है और एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। 36 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, काफी लोग घायल है। बहुत ही दुखद ये घटना है। पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। हालांकि मृतकों के परिजनों और घायलों के उपचार के लिए पूरी राहत दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसे स्वयं देख रहे हैं, पूरी सरकार इसमें लग गई है। लेकिन बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी उत्तराखंड के लोग अपना सफर बिना खतरे का नहीं कर पा रहे। आज भी उत्तराखंड में सफर खतरे में है। आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज, रामनगर। अल्मोड़ा बस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात पीएम मोदी ने कही। साथ ही घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद देने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए ये पोस्ट किया, जिसमें जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया और जो जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं उनके लिए 50,000 रुपए राहत जो राशि है उसका ऐलान किया गया है। 3 लोग क्रिटिकल कंडीशन में एम्स पहुंचाए गए हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि पहले 20, फिर 25, फिर 30 के पार यह आंकड़ा पहुंचा। 36 जाने अब तक जा चुकी हैं। आशंका बनी हुई है कि कहीं ये मौत का आंकड़ा बढ़ ना जाए, क्योंकि 3 लोग बहुत सीरियस कंडीशन में एम्स के लिए रेफर किए गए हैं। अल्मोड़ा बस हादसा जिसकी तस्वीरें आप देखिए, जहां पर 200 मीटर गहरी खाई में जाकर बस गिर गई और नदी के ठीक किनारे बस गिरी हुई है। नदी जहां पर बड़े बड़े पत्थर भी हैं, हो सकता है कि बस जिस वक्त गिरी हो बस में टकराए हों लोग, उससे उन्हें चोटें आई हों। कुछ लोग बाहर निकलकर गिर गए हों, बड़े पत्थरों से टकराए हों तो उन्हें चोटें आई हों। इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर दीपक रावत ने इस दर्दनाक हादसे को लेकर क्या जानकारी दी, सुनिए। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज़्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश हैं कि जिनको भी और आयर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पर हमारी SDRF की टीम है, SDM प्रशासन, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। से खबर मिली थी कि मारचुला में एक बस एक्सीडेंट हुआ है। अब तक रामनगर में 27 लोग आ चुके हैं, जिसमें से 8 जो है ब्रॉड डेड थे, यानी कि एक्सपायरी आए थे और इसके अलावा 6 लोगों को हमने संदर्भित कर दिया है सुशीला तिवारी और ऋषिकेश एम्स के लिए। 3 लोगों को हेली से भी भेजा गया है। इसके अलावा बाकी लोगों का इलाज चल रहा है और बाकी लोगों का रीअसेस किया जा रहा है कि अगर उनको हायर सेंटर की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत भेजा जाएगा।
पुलिस कमिश्नर, डीएम, सीएमओ सभी जानकारी देते हुए कि दर्दनाक यह हादसा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है और साथ ही साथ मुआवजे का ऐलान भी किया है। जैसा कि अभी कमिश्नर को भी आप सुन रहे थे, 4-4 लाख रुपए मृतकों के परिजनों के लिए घोषणा की गई है और साथ ही साथ जो घायल लोग हैं उनके लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही गई है। ये पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट भी आप देख रहे हैं जो कि सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने किया है और वो बताते हैं कि हादसा अत्यंत दुख देने वाला है। अल्मोड़ा में ये जो बस गिरी है और उसको लेकर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए फिर उन्होंने मुआवजे की बात लिखी है और बताया है कि मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और जबकि जो जख्मी लोग हैं अस्पताल में, जो जख्मी जिनका इलाज चल रहा है, उन 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देगी। यानी केंद्र सरकार 2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों के लिए, 50,000 जख्मियों के लिए, और इस तरह से राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए और जो जख्मी लोग हैं उनके लिए 1 लाख रुपए सहायता राशि की बात कर रही है। लेकिन 36 लोग जिंदगी अपनी गंवा चुके हैं, ये बड़ी दुख की बात है। यात्रियों से भरी हुई बस थी, त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में घर आना, फिर घर से वापस जाना, यात्रियों की संख्या अब ज्यादा सड़कों पर ट्रेन में देख रहे हैं और ऐसे में हो गया ये बड़ा दर्दनाक हादसा। के अब तक मरने की सूचना है और बड़ी घटना है। थोड़ी सी बस आ रही थी की तरफ, लगभग 9 बजे के आसपास पलटी है और इसमें काफ़ी कैजुअल्टी, अभी यहाँ 4 बहुत घायल हैं, 3 को हमने जो है एम्स ऋषिकेश में इसको रिफ़र किया है और जो है 1 आदमी को एसटीएच हल्द्वानी किया है और एम्स से जो है डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ मौके पर, जो घायल है उनके इलाज के लिए सारी टीमें एक्टिवेट हैं। अभी राहत बचाव का कार्य जारी है।